स्वागत है दोस्तों आप सभी का सिविल शॉप यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने लैमेज सेरम से रिलेटेड प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, तो जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है, अ थिन रिंग मास ऑफ 3 kg एंड रेडियस 140 mm इज हेल्ड अगेंस्ट अ फ्रिक्शनलेस वॉल। तो यहाँ पर हमें जो वॉल दिए हुए हैं वो एक फ्रिक्शनलेस वॉल है, तो हमें फ्रिक्शन यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है। बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 120 mm, सो ए सी एक यहाँ पर स्ट्रिंग दिए हुए हैं जो इस वाली रिंग को पकड़े हुए हैं जिसकी लेंथ है 120 mm। सो फाइंड अ डिस्टेंस डी, तो ये वाला डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस डी एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, सो ए सी के अंदर का जो टेंशन है सो डी एंड टेंशन ए सी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए तो सबसे पहले हम डिस्टेंस डी फाइंड आउट करेंगे जो कि बहुत आसान है। यहाँ पर अगर हमने एक ट्राइंगल कंसिडर किया, इसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। ओके नाउ ए बी ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म हो गया है जिसमें ए सी लेंथ 120 mm है एंड ओ सी क्या है, हमारा रेडियस है जिसकी लेंथ है 140 mm। ओके सिमिलरली ओ बी ए भी रेडियस है जिसकी लेंथ 140 mm है। सो हमें दो साइड्स पता है तो हम डी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्राइंगल फॉर्म करता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स ए बी लेंथ है हमारे डी जिसे हमें फाइंड आउट करना है, ओ बी लेंथ हमारा रेडियस है 140 mm, सिमिलरली ए ओ, सो ए ओ इज नथिंग बट ए सी प्लस ओ सी, सो ए सी की लेंथ है 120 एंड ओ सी की लेंथ है 140, सो 140 प्लस 120 इज नथिंग बट 260। एंड ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके सो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें सिंपली डी वैल्यू मिल जाएगी। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, सो ओ ए इज 260, ओ बी को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, सो माइनस ओ बी की वैल्यू 140 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, सो 260 स्क्वायर माइनस 140 स्क्वायर आता है, सो आता है 48,000। ए बी हमारी लेंथ डी है सो मैं डी लिखता हूँ, सो यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट अगर बोथ साइड्स ले लूँगा तो मुझे डी पता हो जाएगा, सो अंडर रूट ऑफ आंसर करता हूँ, सो डी हमारी लेंथ आती है 219.08 mm में, सो हमें डी लेंथ पता है। नाउ स्टूडेंट्स हमें नेक्स्ट पूछा गया है फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, सो ए सी के अंदर जो टेंशनल फोर्स है तो वो टेंशनल फोर्स ऐसा होगा। ओके सो ये वाला टेंशनल फोर्स हमें फाइंड आउट करना होगा। तो अगर हमें टेंशनल फोर्स फाइंड करना है तो हमें टेंशनल फोर्स ए सी का हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल के साथ एंगल जो होगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, ये वाला जो एंगल होगा वो इसे हम अल्फा कंसिडर कर लेते हैं। सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल है सो यहाँ पर भी मैं अल्फा कंसिडर करता हूँ, सो अल्फा जो एंगल है उसका एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस हमें पता है, सो अगर हम कॉस रेशियो अगर कंसिडर करेंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू पता हो जाएगी। कॉस अल्फा इज इक्वल टू सो एडजेसेंट साइड है 140 एंड डिवाइड बाय हाइपोटेनस है 260, सो 140 बाय 260 एंड कॉस को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सो कॉस इनवर्स 140 बाय 260, सो अल्फा की वैल्यू आती है 57.42। सो अभी हमें अल्फा वैल्यू पता है तो अभी मैं पॉइंट ओ का फ्री बॉडी डायग्राम निकलता हूँ एंड हम लैमेज थ्योरम को यूज करने वाले हैं क्योंकि तीन फोर्सेस हैं, एक तो हमारा टेंशनल फोर्स ए सी हो गया, देन ओ बी के अंदर एट पॉइंट बी एक
हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फॉर्म होगा जो कि इस वर्टिकल वॉल को परपेंडिकुलर होगा, एंड जो हमें वेट दिया हुआ है, जो हमें सॉरी मास दिया हुआ है 3 kg, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ओके, सो हम तीन फोर्सेस को दिखा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो पॉइंट है हमारा वो ओ है, सो हम इसे ओ लिखते हैं। सो अभी देखिए, लैमिस थ्योरम में हमारे सारे फोर्सेस अवे फ्रॉम द पॉइंट होने चाहिए। सो इसी के लिए यहाँ पर जो आर बी फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा जो टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगा। ओके, सो सिर्फ मैंने आर बी का जो डायरेक्शन है वो आगे एक्सटेंड करके यहाँ पर ऐसे दिखा हुआ है। सो ये हो गया हमारा आर बी। देन हमारा ये टेंशनल फोर्सेज ही, ये भी पॉइंट ऑफ, ये भी सेंटर में से पास होगा। सो इसे हम टेंशन फोर्स एसी दिखते हैं। ओके, एंड हमें टेंशनल फोर्स एसी का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, अल्फा एंगल, वो भी हमें पता है, जिसकी वैल्यू है 57.42 डिग्री। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ओके, तो तीन फोर्सेस है जो कि कॉन्करंट, कोप्लेनर, नॉन कोलिनियर है, एंड जो हमारा पॉइंट है या फिर जो हमें रोलर दिया हुआ है वो इक्विलिब्रियम है। तो हम लैमिस थ्योरम यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, टेंशनल फोर्स ए सी। सो आई एम सॉरी, सबसे पहले हम ईच टू फोर्सेस का एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये टोटल एंगल होगा ना, अभी देखिए ये 57.42 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हमारा होगा 90 माइनस 57.42, जो कि होगा हमारा, तो ये वाला एंगल होगा हमारा 32.57, एंड जो हमारा 90 डिग्री, 32.57 प्लस 90 डिग्री, तो हमें ये वाला टोटल एंगल मिलता है 122.58 डिग्री। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल हमें पता है 57.42। ओके, सो ये वाला एंगल 57.42 है प्लस 90 डिग्री, तो हमें ये टोटल एंगल मिल जाएगा। ओके, तो ये टोटल एंगल हो गया 147.42 डिग्री, एंड ये वाला एंगल तो हमें पता है जो कि हमारा 90 डिग्री। तो अभी हम लैमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो टेंशनल फोर्स इज डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल, सो साइन 90 इज इक्वल टू रिएक्शन एट पॉइंट बी आर बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल साइन ऑफ 147.42 इज इक्वल टू। नाउ अभी देखिए, ये जो वेट होगा हमारा, तो वेट होगा हमारा एम जी। सो मास दिया हुआ है हमें 3 किलोग्राम, सो 3 इंटू ग्रेविटी इंटू ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट 9.81, सो ये इसकी वैल्यू आती है 29.43 न्यूटन। ओके, सो 29.43 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 122.58। ना सबसे पहले हम ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म कंसीडर करेंगे, तो हमें टेंशनल फोर्सेस ही मिल जाएगा। सो टेंशनल फोर्सेस ही, ना साइन 90 तो हमें पता है 1 होता है, सो हम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। सो साइन 90, सो 29.43 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 122.58। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 34.92। तो दोस्तों, जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, हमें डिस्टेंस डी फाइंड आउट करना था जो कि हमने फाइंड आउट किया था, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। सो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो कि हमारी वैल्यू आती है टेंशन ए सी, हमें आर बी की वैल्यू नहीं पूछी गई, तो हम आर बी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।